हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शिमला मिर्च के पौधे के बारे में बात करूंगी, जिसको आप छोटे से गमले में लगाकर भी ढेरों ढेर मिर्च पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा मिर्च का प्लांट, मैं इसको जनवरी में मैं इसको खरीद के लाई थी। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा प्लांट था, बस एक डंडी थी इसके अंदर, तो मैंने इसको लाकर अपने गार्डन में ये गमले में लगा दिया। फ्रेंड्स, ये 10 से 12 इंच का गमला है जिसके अंदर मैंने ये प्लांट लगाया है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है ताकि उसके अंदर एक बूंद भी पानी ना रुके। फ्रेंड्स, अगर ये जो प्लांट है, चाहे शिमला मिर्च का हो, चाहे वो प्लांट हो आपका टमाटर का, कोई भी प्लांट सब्जी का हो, तो उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुका तो समझ लीजिए कि आपके प्लांट में कोई भी फ्रूटिंग नहीं होगी और प्लांट आपका बिल्कुल ही गल कर ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट आप देख ही रहे हो, 3-4 महीने का प्लांट है और इसके ऊपर मिर्चें देखिए आप कितनी लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी थी, मैंने 4 भाग गार्डन सोयल में, थोड़ी सी रिवर सैंड और मैंने इसके अंदर थोड़ी गोबर की खाद मिलाई थी और फंगसाइड पाउडर मिलाकर मैंने मिट्टी तैयार कर ये प्लांट लगा दिया था। और फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है। इस प्लांट को बिल्कुल भी मैंने छाया में नहीं रखा था, क्योंकि हल्की हल्की गुलाबी सर्दी थी उस टाइम, तो ये मेरा प्लांट बहुत अच्छी तरीके से लग गया है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप तभी पानी दें जब इसके गमले की मिट्टी सूख जाए। जैसे आप देख रहे हो, मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल हल्की सी नमी है इसके अंदर, बिल्कुल सूखी नहीं है। थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग हो गई तो ये प्लांट आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप फ्रूट की बात करें, मिर्चें देखें तो इतनी लगी हुई हैं मेरे प्लांट में। छोटा सा मेरा प्लांट है और इसके अंदर इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि चारों तरफ मिर्चें हैं इसके, आप देखिए। और मिर्च का साइज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास से, ये देखिए। फ्रेंड्स, बस मैंने सिर्फ अपना, जब ये प्लांट बहुत छोटा था, जब इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हुई थी, तो मैंने इसके अंदर खट्टी दही का एक बार स्प्रे किया था ताकि पत्तियों में कोई भी, जो अक्सर मरोड़ी रोग लग जाता है, वो ना लगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे प्लांट में आप देख ही रहे हो अभी भी कितने फूल लगे हुए हैं और इसमें सब में फ्रूटिंग होगी, एक भी फूल नहीं झड़ा है। फ्रेंड्स, बात करें कि मैंने अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है और देती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं 20 से 25 दिन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ ताकि इस प्लांट को खाद की बिल्कुल भी कमी ना हो। फ्रेंड, ये देखिए आप इसकी फ्रूटिंग को, कि जड़ों के पास भी इसके ये मिर्चें लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ मैं इसके अंदर कौन सी खाद देती हूँ। इससे पहले मैं आपको अपना हरी मिर्च का भी पेड़ दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ये हरी मिर्चों का प्लांट, इसके अंदर भी आप देखिए तो कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ मिर्चें लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊँगी। आज शिमला मिर्च के ऊपर मेरी आपके साथ ये वीडियो बनाऊंगी मैं, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर प्लांट लगाते हैं सब्जियों वाले, आप सब्जी पा सकें। ये है पुरानी गोबर की खाद और ये है नीम खली, ये है फंगसाइड पाउडर। फ्रेंड्स, अब जो गोबर की खाद आपको लेनी है, करीबन आप एक मुट्ठी भरकर गोबर की खाद ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये है पुरानी गोबर की खाद जिसको मैं करीबन एक मुट्ठी के करीब मैंने ले ली है और मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच नीम खली मिलाई है और 0.5 चम्मच मैंने इसके अंदर फंगसाइड पाउडर मिलाया है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास फंगसाइड पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से हल्दी मिला सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो फंगस हेड पाउडर मैंने मिलाया है ताकि जड़ों में कभी भी फंगस का अटैक ना हो और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल आए। और फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है इस तरीके से। इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गमले की अच्छी तरीके से चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद आप ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दीजिए। पौधे के चारों तरफ आप इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से डाल दीजिए। और डालने के बाद इस फर्टिलाइज़र को जो आपने मिट्टी की गुड़ाई करी है उसके अंदर ऐसे मिला दीजिए। ताकि ये पूरा आपके प्लांट के अंदर चला जाए। और फ्रेंड्स, अब इसको आप पानी दे दीजिए अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, ये आप शाम के समय ही अपने प्लांट को दें। आपको मेरी ये शिमला मिर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च कैसे पाएं, इसकी पूरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।